जय श्री राम। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही ज्यादा काम की जानकारी आपके रिजल्ट को लेके। जी हाँ, जो आपका इंतजार था बहुत लंबे समय से, जो हमारा संघर्ष चल रहा था, अब उसमें जो है अब हम प्रमोट तो हो चुके हैं, लेकिन अब बात आ जाती है कि आगे हमारा रिजल्ट कब तक हमें देखने को मिलता है। सीबीएसई ने 15 तारीख को अपना क्लियर कर दिया रिजल्ट, 10वीं का भी क्लियर कर दिया, लेकिन एमएस जो कि बार बार लेट करती है, अब ये कितना लेट होना है इसका, इस चीज के ऊपर भी जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को क्लियर कर दिया है बाकायदा कि एमएस को कब तक अपने रिजल्ट को बाकायदा दे देना चाहिए, स्टूडेंट तक पब्लिश कर देनी चाहिए। तो इसी के बारे में मैं आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका रिजल्ट जो है कब तक आएगा, और वो भी एक पक्का डेट बताऊंगा। और इसके लिए मैं आपको इस वीडियो में मैं आपको लेके चलूंगा बकायदा न्यूज पे लेके चलूंगा, जहां पे बकायदा प्रूफ दिखाऊंगा मैं आपको। ऐसा नहीं है कि बाकी यूट्यूबर की तरह मैं आपके लिए बिना मतलब का वीडियो बनाऊं, मैं वही वीडियो बनाऊंगा जो केवल मुद्दा से आपसे रिलेटेड होगा, जो आपके फायदे के लिए होगा। तो अब हम जल्दी से चलते हैं अपने उस न्यूज आर्टिकल्स की तरफ, जिसमें आप इस चीज को बकायदा सबूत देखने वाले हो, और मैं वहीं पे आपको एक्सप्लेन करूंगा बकायदा तरीके से। साथ ही इस तरह की यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक तो बनता ही है, लाइक करो इस वीडियो को जल्दी, और शेयर करो सभी दोस्तों को ताकि उनकी चिंताएं खत्म हो जाए कि और वो बकायदा बेफिक्र रहे। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले अपने न्यूज की तरफ, जहां पर मैं आपको सबूत दिखाने वाला हूँ। आ जाओ फिर चले, मैं आपको सबूत दिखाने जा रहा हूँ। ये देखो, ये जागरण का न्यूज़पेपर है, एनआईएस रिजल्ट। सुप्रीम कोर्ट ने एनआईएस को 10वीं 12वीं का रिजल्ट इस तारीख तक घोषित करने को कहा है। जैसा कि मैंने बताया है, आपका रिजल्ट जो है डिक्लेयर होना है, बहुत जल्दी होना है। अब हम आगे पढ़ते हैं, पूरी डिटेल में जानेंगे इसको, तो देख लेते हैं इसको। चलिए आगे है हमारा सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान एनआईएस को 7 अगस्त तक मौजूदा शैक्षणिक सत्र के परिणाम को घोषणा करने का आदेश दिया है। अभी इसको पूरा डिटेल में समझेंगे और आगे क्या है। जस्टिस एम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ को एनआईएस ने बुधवार को बताया कि उसने 10 जुलाई 2020 को कोरोना वायरस की महामारी के मद्देनज़र माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं की प्रस्तावित परीक्षाएं रद्द किए जाने के संबंध में अधिसूचना जारी की है। इस पर पीठ ने कहा कि एनआईएस का जवाब सुनने के बाद इस याचिकाओं पर विचार करने के लिए कुछ नहीं रह जाता। एनआईएस को मौजूदा शैक्षणिक सत्र का परिणाम 7 अगस्त तक से पहले जारी कर देना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहे तो एनआईएस की तरफ से परिणाम घोषित किए जाने की अंतिम तिथि 7 अगस्त तक तय की जाती है। पीठ में जस्टिस दिनेश माहेश्वरी व जस्टिस संजीव खन्ना भी शामिल रहे। आगे देखते हैं, शीर्ष अदालत ने महामारी के मद्देनज़र एनआईएस की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर दाखिल 2 याचिकाओं पर विचार करते हुए यह आदेश दिया कि इनमें से एक संस्थान की लंबित परीक्षाएं रद्द करने तथा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को परिणाम को घोषित करने का निर्देश देने की अपील की गई थी। एनआईएस ने 10 जुलाई को जारी अधिसूचना में कहा था कि कोरोना वायरस की महामारी के मद्देनज़र मार्च 2020 की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 17 जुलाई 2020 से कराने के कार्यक्रम को रद्द किया जाता है। ये जानकारी आपको मैंने दिया है, यानी आप ये समझ सकते हैं कहने का मतलब कि 7 अगस्त तक आपका रिजल्ट आ सकता है या इससे पहले पहले। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, साथ में आप सपोर्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, साथ बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।